الا اجى الزعيم العظيم على دين ما تفكر الشعب يقول काफी ज्यादा ऊपर आ गए बहुत थक गए लिफ्ट का काम भी शुरू है थोड़ा पानी पी लेते पानी हमेशा बैठ कर पियो बहुत से फायदे हैं एक्चुअली यहाँ मेरी खुद की बोतल लाने के मतलब अपनी ही बोतल यूज़ करने का बहुत फ़ायदा है जिसमें से जनरली मतलब अपनी ही बोतल से पानी पीने के ये फ़ायदे हैं कि सबसे पहले जो हम लोग कहीं बाहर घूमते हैं सिटी में आते जाते हैं हम हर बार एक नई बोतल लेते हैं उसको पीते हैं उसका पानी और फिर फेंक देते हैं बट अगर आपके पास बोतल है आपका आप घर से या फिर कहीं से बाहर से पानी ले सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो पानी तो पानी है यूज़ करना ही है बट जो प्लास्टिक आप यूज़ करके फेंक दे रहे हो उतना यूज़ कम होगा सो हम आज का व्लॉग शुरू करेंगे यहाँ से जो कि जलगांव सिटी से थोड़ा बाहर है और यहाँ से लोकेशन भी बहुत बॉम है एक्चुअली मतलब लास्ट टाइम मैं जो ब्लॉगिंग के लिए आया था यहाँ पर मतलब ब्लॉगिंग लोकेशन के लिए आया था तो मुझे रास्ते में बिल्डिंग मिला था सो दिखाता हूँ आपको Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Alright, so good morning guys. आज का ब्लॉग है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे जहाँ पर हम लोग आपको यहाँ पर इस अपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे जो कि बहुत ही बॉम्ब लोकेशन है और ये साइड है क्योंकि इधर का जो बैकवुड लेक जो है एकदम बॉम्ब दिखाई देता है और मॉर्निंग सीन तो यहाँ का मिस हो गया हम लोग का क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्शन है तो रास्ते में बहुत भीड़ था डीमार्ट साइड पर सो भाई आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे जिसमें पब्लिक ने जो डीएम किए हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन है और कुछ यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन में आए थे सो भाई आज हम शुरू करेंगे मेरून लेक के साइड का बैकग्राउंड लेके सो गाइस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की जो कि तौसिफ ने अहमदाबाद से किया था सबसे पहले क्वेश्चन भाई आपके बाल कहाँ गए भाई बाल गए नहीं गए बाल यही है फिलहाल जॉब शुरू हो गया सो उसकी वजह से मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ कुछ सो गाइस बीच में हम लोग को यहाँ पर आपको बैठ कर दिखाना पड़ा सो वही हाँ तो सिर्फ भाई बाल कहीं नहीं गए जॉब शुरू की वजह से थोड़ा कट करना पड़ा उसके बाद हमारे जरीन भाभी का मैसेज आया उन्होंने इंस्टाग्राम पे डीएम किया और पूछा था कि आपको इस अबंडेंट जगह पे जाते हुए डर नहीं लगता क्या डर इसको नहीं लगता डर लगा रहता है और बस करना है तो करना है अभी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिफ भाई का आतिफ भाई ने कहा कि थोड़े मोटा नहीं हो थोड़ा भी फिलहाल जिम वगैरह बंद है और जो आ रहा है बिल्कुल एकदम बढ़िया हो रहा है सब शुरू सो वही देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजान का फैजान ने क्वेश्चन किया कि अभी आपकी जो शॉर्ट फिल्म वगैरह सॉन्ग्स वगैरह कब आ रहे हैं सो फैजान अभी फ़िलहाल तो मैंने अभी जो शॉर्ट फिल्म और सॉन्ग्स के लिए शूट्स पे सबको मना कर दिया फिलहाल निखिल कोश्ती सर का एक सॉन्ग है जिसको मैंने अप्रूव किया हो मैं उनके सॉन्ग में फिर से नजर आऊँगा और मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं अभी सो वही अगला क्वेश्चन है दानिश का आपके शूट्स में ब्लॉग में आपके दोस्त नज़र क्यों नहीं आते सो गाइस मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बहुत ही अच्छे हैं बट उन लोग का फील्ड अलग है मेरा फील्ड अलग है बेचारा मेरा बैग वहाँ पे रखा हुआ है बहुत बॉम्ब सीन है एक मिनट सो वही अब हम लोग जाएंगे नीचे देखते रूम्स वगैरह क्योंकि हम लोग का यहाँ का ऊपर का सीन जो था पूरा हो चुका है बट वही बहुत बॉम्ब सीन है मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि किसी ने अगर देख लिया तो हम लोग का शूट इनकम्प्लीट हो जाएगा आई थिंक होटल ही है ये
कंस्ट्रक्शन से तो पता चल रहा है कि किसी होटल के अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन तो ऐसे नहीं होता है, बट हम लोग अभी फिलहाल नीचे जाएंगे, वहाँ पे जो रूम रेडी हुआ होगा बाल बाल बच गया मुझे नीचे देख कर जाना होगा। बाल भी काफ़ी छोटे हो गए अब लग रहा है, हम लोग देख सकते हो रूम से मार्बल्स। होटल पे तो बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब होटल है, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है लेक के सिटी के, और ये मतलब यहाँ से पास में एक गार्डन भी है दंडेखोरी गार्डन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट ब्लॉग है वो यहाँ से, उसका लोकेशन भी बहुत बॉम्ब है, वो नियर अबाउट कुछ 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। बट इस जो बिल्डिंग का बट ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया ना डूबा था, ये भी बॉम्ब। तो अभी मैं आपको नीचे की जो रूम रेडी है मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक जो कुछ 9 या 10 फ्लोर का है, मैंने काउंट भी नहीं किया, बहुत हाई गए हैं आई थिंक। अभी डूब तो यहाँ नीचे मैक्सिमम काम हो चुका है, बट ये कहेंगे रेडी हो चुका है, मैक्सिमम काम हो चुका है। सो वेट, यहाँ पर मेन्यू काम हो चुका है और ये होटल नहीं अपार्टमेंट है। सो गाइस, ये जगह खाली नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा जोर से आवाज़ से बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पर हमें एक बंदे ने बताया कि हम लोग ने हेल्प लिया, जिसने बताया कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, मतलब सिर्फ मैंने इतना पूछा कि अपार्टमेंट है या होटल, तो उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट है, और यहाँ पर हम ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते। सो गाइस, मैंने आपको यहाँ का मैक्सिमम सीन दिखा दिया, वो बहुत ही बॉम्ब है। अब हमको यहाँ से कैम रखना होगा,